भिन्न के सवाल भाग पाँच में एक बार फिर हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं। उन सवालों में आज की सीरीज़ है कि जो भिन्न रहती है गुणा और उसके साथ में कोई संख्या गुणा में रहती है तो उनका आपस में गुणा करके उन्हें मिश्रित भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो अब इसमें हम पहला सवाल ले रहे हैं, 7 × 3/5। ठीक है, जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना रहता है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या, मतलब हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1 × 3/5। तो इसमें भिन्न में गुणा जब करते हैं तो ऊपर की संख्या मतलब अंश अंश का गुणा कर देते हैं और हर हर का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7×21/5। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मिश्रित भिन्न में इसको व्यक्त करना है, तो 21 में हम 5 का भाग लगा देंगे, 5 × 20, हमारा शेषफल आया 1। ठीक है, तो अब इसमें मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला जो उत्तर जो हमारा आया है वो हम सही में लिखते हैं और 1/ जिससे हमने भाग लगाया है, जो शेषफल आया है वो अंश में और जो जिससे हमने भाग लगाया है वो हर में लगते हैं, तो 4 सही 1/5 ये हमारा उत्तर आया। एक और सवाल हम लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं हम, 11×4/7। ठीक है, 11×4/7, तो हम इसको भी लिखेंगे 11×1×4/7, तो 11 × 44/7 = 7। अब 44 में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 × 42। ठीक है, तो यहाँ बचे 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, 6 सही 2/7, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल हम उसी प्रकार का लेते हैं, अब हमने दूसरे प्रकार का सवाल लिया है, 24×1/2। ठीक है, 24×1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2×24। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो अगर किसी संख्या से ये कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 4, तो कितना आया हमारा 12, और यहाँ पे हर में 1 आया जिसको हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, इसका उत्तर आ जाएगा, मान क्या हुआ 24×1/2, मान क्या हुआ 12। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं, 36×3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4×36। अब हम इसको 4 से 36 को काट सकते हैं, 4×4, 4×9, 36, है ना। अब यह हर में 2 संख्याएं आ गई हैं, तो दोनों संख्याओं का हम आपस में नॉर्मल गुणा कर सकते हैं, तो 9×9, 9×2, 18, 9×3, 27, ये इसका आंसर आया। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल मैथ्स के जो क्लास 7th के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और उसके कोर्स में भी हैं। अगर इन सवालों को देखकर आप आगे के सवाल करिए और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको हम कमेंट बॉक्स में डाल कर हमें से प्रश्न पूछ सकते हैं और इसको रिलेटेड सारे सवालों को आप याद कीजिए। और अगर आपको हमारी चैनल पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।